गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग ऑल, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। मैंने जैसे कि बोला था कि लास्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ट्राई करूंगी इसमें मूंग दाल का हलवा, वो भी हमारे मोदी केयर के सोल फ्लेवर काऊ घी के साथ। तो फ्रेंड वो घड़ी आ चुकी है जिसका आपको सबको इंतजार था, और आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा, वो भी सोल फ्लेवर काऊ घी में। तो अनबॉक्सिंग हम इसकी करने वाले हैं, आपको दिखाऊं तो अंदर से ये जो घी है वो इस तरीके का घी है, बिल्कुल येलोइश कलर में, और दानेदार घी है बिल्कुल ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्पून के साथ कि कैसा है ये। आप देख सकते हैं एकदम प्योर दानेदार घी है ये, और खुशबू की बात करूँ तो बहुत ही लाजवाब है। ये देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार घी है, और आज हम बनाने वाले हैं इसका मूंग दाल का हलवा। तो जैसे बहते दाल का हलवा बना रहे हैं तो घी ज़्यादा ही डलता है फ्रेंड्स उसमें, माइंड मत कीजिएगा कि घी ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, घी ज़्यादा ही होता है दाल के हलवे में। तो हमारी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, और दाल को हमने इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है इसके अंदर, मिक्सी के अंदर। तो ये हमारा दाल का पेस्ट है, जो थोड़ा सा घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डालते हैं। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ये काजू है, बादाम है, हमारे पास चेरीज है तीन अलग अलग तरीके की, देन शुगर है, और ये सब मिला के ही हम बनाने वाले हैं जबरदस्त मूंग का हलवा, मूंग दाल का हलवा। घी बहुत जल्दी से मेल्ट हो गया बिकॉज कढ़ाई ऑलरेडी गर्म थी। अब हम थोड़ा सा इसी में ही डाल देते हैं ये दाल का जो हमने बनाया था पेस्ट। दाल का पेस्ट फ्रेंड आपको दरदरा रखना है, ज्यादा पतला थिन नहीं करना है। तो ये बनेगा एक लाजवाब सा हलवा जो आप खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मोदी केयर की किचन से सब कुछ आपको मिलेगा, बस खाइए और खो जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड, इसके लिए हमने जैसे नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ की है, अगर आप नॉर्मली भी कढ़ाई यूज़ करेंगे तो जैसे दाल पकनी शुरू होती है वो दाल छोड़ना शुरू हो जाती है इसको कढ़ाई को, बट यहाँ पे नॉनस्टिक है तो इसमें ये वाला डर नहीं है कि चिपकने का, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है नॉनस्टिक होने के बाद। अभी ये जैसे थोड़ा थोड़ा गल रहे फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर बाद हम दोबारा मिलते हैं आपको, ये कौन सी पोजीशन में आ जाता है तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर में। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं हमने भून लिया इसको अच्छे से 10-15 मिनट के लिए, और अब इसने घी अपना छोड़ दिया है, तो इट मीन्स ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम जो बचे हुए हैं हमारे इन्ग्रीडियंट्स हैं वो डालने का टाइम आ चुका है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एड ऑन करेंगे पानी, और इसको अच्छे से हिलाएंगे। और इसी बीच हम इसके अंदर क्या ऐड ऑन करने वाले हैं, हम ऐड ऑन करने वाले हैं इसके अंदर शुगर। तो बहुत ही एक रिच सा कलर आ रहा है इसके अंदर घी से, और घी तो मोदी केयर का है तो बेस्ट हो गई होगा, बिकॉज मोदी केयर हमें बहुत अच्छा घी देता है और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ देता है। तो आप देख रहे हैं हलवा बनने को तैयार है बिल्कुल, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और अब इसके अंदर हम डालते हैं अपने बादाम जो इसकी रिचनेस को और बढ़ा देंगे और इसको और रॉयल लुक देंगे, और साथ में इसका जो पार्टनर है वो है काजू। तो आप देख सकते होंगे कितना रिच लुक आ चुका है इसके अंदर काजू बादाम, और ये थोड़ा सा पक जाए देन उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जो अलग अलग चेरीज हैं अलग अलग कलर की हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन और येलो, तो हमारे पास तीन अलग अलग कलर की चेरीज हैं वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो हलवा है हमारा बन के तैयार होने वाला है फ्रेंड्स, तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही, इसको खाने का मन कर रहा है बट बहुत गर्म है, अभी नहीं खाना है हमको। तो देखिए कैसे दानेदार एकदम हलवा बन के तैयार होने वाला है, बस अभी बस थोड़ा सा इसके बाद वेट करिए और ये बन के तैयार। वन स्टार्ट स्टॉप दी हो
इसको कट कर। अच्छा ठीक है, ये अब हमारा हलवा बनके तैयार हो चुका है, जैसे एकदम रेडी है। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं जो हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट्स रह चुके हैं, ग्रीन चेरी और येलो चेरी। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा कलर आ चुका है इसके अंदर एक, और ये बनके भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो अब हम करने वाले हैं इसकी प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए हमारे पास एक बड़ा सा बिग बाउल है और हम डालेंगे इसको थोड़ा सा कड़छी के साथ में। तो अब हम कर देते हैं गैस बंद। पूरी फैमिली इकट्ठा होके खाएगी इसको, और ये बड़ा सा बाउल में हम इसलिए इसको डाल रहे हैं। तो खाइए फ्रेंड्स, देखिए कैसा है टेस्ट इसका, आप जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। मोदी खीर का जो सोल फ्लेवर घी है उसके अंदर बनाया गया है इसको, आप ट्राई कीजिएगा जरूर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।